हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश यादव। हिंदी टेक्निक पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस साइट को विंग वेबमास्टर टूल में कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपने वर्डप्रेस साइट पर आ जाना है। ये देखिए, ये जो है ये मेरा bnrhow.com है, ये मेरा वर्डप्रेस साइट है। विंग वेबमास्टर टूल में ऐड करना है तो सबसे पहले जो है आपको सीओ पे क्लिक करना है, योस्ट सीओ पर। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर आप क्लिक कीजिए, जनरल योस्ट सीओ। अब यहाँ पर देखिए आपको वेब मास्टर टूल्स पर ऐड क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, विंग वेब मास्टर टूल, गूगल सर्च कंसोल, यांडेक्स वेब मास्टर टूल। इसमें आपको विंग वेब मास्टर टूल पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये मेरा विंग वेब मास्टर का जो है ये है डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर मुझे अपने न्यू साइट को यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ पर आपको जो है अपने साइट का यूआरएल एंटर करना है। जैसे मेरा है bnrhow.com। अब यहाँ पर देखिए ऐड ए साइट मैप है तो इसको जो है अभी रहने दीजिए। साइट मैप को ऐड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर वेरीफाई ओनरशिप फॉर www.bnrhow.com। अब यहाँ पर ओनरशिप वेरीफाई करना है तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सेकंड है उसमें आपको ये मेटा टैग है, इस मेटा टैग को कॉपी कर लेना है। और इसे जो है आपको ये देखिए, ये विंग वेबमास्टर टूल है, इसके सामने जो बॉक्स है यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आप वापस जो है वेरीफाई ओनरशिप पर आइए और इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइए और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब आपका ये जो साइट है bnrhow.com, ये मेरा साइट ऐड हो चुका है विंग वेबमास्टर टूल में और ओनरशिप भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप जो है विंग वेबमास्टर टूल में अपने वर्डप्रेस साइट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए bnrhow.com, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है आपकी साइट। अब जो है इसका साइट मैप भी आपको ऐड करना है, वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।